वेलकम टू पिनाकल कोचिंग क्लासेस। आज चलो क्लासेस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। विच बैक्टीरियम इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट? तो मिल्क से योगर्ट में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु का जो प्रयोग है वो किया जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके देखिए इसमें से कौन सा जो बैक्टीरिया है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। इवन छोटे बच्चों को अगर लूज मोशंस वगैरह होती हैं तब भी इसकी जो है स्पॉरलैक के नाम से दवाई दी जाती है, उसमें यही लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु मौजूद होता है। ये कल्चर के तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। पिकल्स, बियर, साइडर्स सभी में ये इस्तेमाल में लाया जाता है, कोकोआ में भी। ओके साथ साथ आंसर जरूर दीजिएगा। जितने क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जरूर उनको अटेम्प्ट करिए और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स जरूर लिखने की कोशिश कीजिए। इससे जो है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोइचा ला पास जो है, ये दरा जो है, ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तराखंड। आपको बताना है ये किस राज्य में पास जो है ये सिचुएटेड है। ओके किस राज्य में है ये? ये हाई माउंटेन पास है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पास कहाँ कैसा है, हाउ हाई माउंटेन पास है ये, और ये सिक्किम में सिचुएटेड है जो कि हिमालयन रेंजेस में आता है। माउंटेन कंचनजंगा जो है इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। आपको पता है ये थर्ड हाईएस्ट पीक है माउंटेन कंचनजंगा। ओके सो यहाँ पे जो भी बेस कैंप लगाए जाते हैं वो इस पास के पास लगाए जाते हैं। एट विच प्लेस मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू? आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ उन्होंने ट्रांसफर करी? दौलताबाद, औरंगाबाद, अलाहाबाद, सहारनपुर। तो आपको इनमें से बताना है कहाँ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कैपिटल दिल्ली से ट्रांसफर की गई। कहाँ पे ट्रांसफर की गई? देखिए 1327 में तुगलक ने ये ऑर्डर जो है पास किया था कैपिटल अपनी शिफ्ट कराने की, और ये शिफ्ट कराई गई थी दौलताबाद में। दौलताबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ओके महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। महाराष्ट्र क्या? डेक्कन रीजन का हिस्सा है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि ये डेक्कन रीजन का हिस्सा है। ओके फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जब भी एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड यानी स्वतंत्र रूप से उसको निलंबित करें तो क्या होगा, वो किस डायरेक्शन में अपने आप को लेकर जाएगी? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट नॉर्थ या फिर वेस्ट साउथ, किस डायरेक्शन में जो है वो अपने आप को अलाइन करेगी? तो किस डायरेक्शन में करेगी? देखिए जब भी आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे, अर्थ जो है ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो अपने आप को अलाइन करेगी। तो वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अर्थ एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेट जो है अलाइन करेगी और वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेट अपनी डायरेक्शन अलाइन करेगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज हिताकी डायनेस्टी डेवलप्ड? हिताकी डायनेस्टी जो है वो किस, इसमें से निम्न में से किस देश में इसको विकसित किया था? श्रीलंका, चाइना, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो कहाँ पे जो है हिताकी डायनेस्टी को डेवलप किया गया? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप किसमें यहाँ ये डेवलप किया गया? देखिए ये जो हिताकी डायनेस्टी है इसको होतक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये अफगान मोनार्की जब थी खिलजी गिलजी, ओके इनके द्वारा, गिलजी पाश्तान जो है इनके द्वारा इसको 1709 में एस्टैब्लिश किया गया। वहां पे मीर वाइस होतक जो है इसके सक्सेसफुल लीडर रेवोल्यूशन बने उनके द्वारा जो है ये, जब वहां पे जो पर्शियन सफादिद थे ओवरलॉर्ड वो उनका पतन उस समय चल रहा था, तब जाके इन्होंने एम्पायर जो है अपना खड़ा किया। और ये साउदर्न
अफगानिस्तान के हिस्से में आता है? तो आंसर है इसका अफगानिस्तान। यहाँ पे मैप में एक बार अफगानिस्तान की लोकेशन देख लीजिए, ये इंडिया है और उस समय का ये पाकिस्तान, ओके, और ये उस समय का अफगानिस्तान आप देख सकते हैं, जहां पे जो प्रेजेंट आप एरिया भी इसकी बाउंड्रीज देख सकते हैं, ईरान, साइड में इसके तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजकिस्तान, चाइना इस साइड, ओके, हिंदू कुश आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा एरिया जो है इसमें अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, ओके। हेलमंद रिवर, फरार रिवर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो वो भी एक बार इस पर नजर डाल लीजिए, कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। कैपिटल आप देख सकते हैं काबुल, ओके, तो इस तरह से एक बार रिवाइज इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड फोन आप में से बहुत लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, iOS भी करते होंगे, लेकिन एंड्रॉयड जो है आपको पता है बहुत कॉमन फोन्स हो चुके हैं, आपको इसमें बताना है ऑफिशियल लैंग्वेज का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा इसमें यूज की जाती है, जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन, एडा, तो आपको बतानी है कौन सी भाषा का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है दैट इज जावा, जावा लैंग्वेज को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जावा लार्ज पार्ट के लिए इस्तेमाल होती है और जो API के लिए इस्तेमाल की जाती है दैट इज योर प्राइमरली, वो भी एक जावा का ही पार्ट है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड की जाती है, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, 22 या फिर 23, तो किस आर्टिकल के तहत ये किया जाता है, हाँ जी कौन सा आर्टिकल है ये, ये है आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल के तहत, ये हमारे फंडामेंटल राइट में चैप्टर नंबर 3 में इसको दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल, ये इवन कोर्ट में जो है मुद्दा भी चल रहा था जब आधार कार्ड का केस, इसमें 7-5 बेंच का पैनल भी बिठाया गया, उसके बाद 9 बेंच का पैनल भी इसके लिए बिठाया गया, सब कुछ जो है इस पर डिबेट चल रही है कि किस तरह से फंडामेंटल राइट है और आधार कार्ड कहीं प्राइवेसी का ब्रीच ना करे, तो वो भी इसके अंदर सारा बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑफ ऑरेंज कलर एंड हैज व्हाइट कलर बैंड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास ऑरेंज कलर है साथ में व्हाइट बैंड दिए गए हैं, तो वो कौन सा प्लैनेट है, मार्स, सैटर्न, जुपिटर या फिर वीनस, तो कौन सा वो प्लैनेट है जिसके आसपास जो है ऑरेंज कलर है और साथ में व्हाइट कलर का बैंड भी है, तो दैट इज जुपिटर, ओके, सो दैट इज दी जुपिटर जो ये बैंड यहां पे है, और जुपिटर के साथ आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये फिफ्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसके पास 64 मून्स हैं या फिर 64 इसकी खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे गैनीमेड है, कैलिस्टो है, यूरोपा है, ये सभी जो हैं जुपिटर के मून्स हैं या जुपिटर की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ऐसे टोटल 64 मून्स हैं या टोटल 64 जो हैं नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जुपिटर की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम ऑल्सो बैगल वर्ड इज यूज, तो इनमें से किस गेम के अंदर बैगल शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है, टेनिस, क्रिकेट, स्क्वैश, बॉक्सिंग, तो किसमें बैगल शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है, कौन सी ऐसी गेम है, ये है टेनिस, टेनिस में बैगल शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखिए कब किया जाता है, जब भी कोई प्लेयर जो है मैच सारे सेट जो मैच सेट में होता है ना, तो सारे सेट अगर वो हार जाए यानी 6-0 तो ये जो मैच होता है इसको बैगल कहा जाता है, ठीक है, सो बैगल इसको कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर देयर इन इंडिया, तो इंडिया में कितने जो हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र जो हैं वो मौजूद हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, कितने क्षेत्र मौजूद हैं, 2, 4, 6 या फिर 10, कितने क्षेत्र हैं,
तो इसके हैं टोटल 10 जो बायो जियोग्राफिकल एरियाज जो हैं वो मौजूद हैं। ओके, कौन कौन सी सैटेलाइट्स है एक बार ये भी रिवाइज कर लीजिए, कौन कौन से जो बायो जियोग्राफिकल रीजन है वो रिवाइज कर लीजिए। ट्रांस हिमालयन रीजन है नंबर 1, ट्रांस हिमालयन रीजन है। ओके, नेक्स्ट है आपका हिमालयन जोन, उसके बाद है आपका इंडियन डेजर्ट, फिर आपका सेमी एरिड रीजन जो है वेस्टर्न घाट्स, देन आपका डेक्कन प्लेट्यू का रीजन, देन योर ईस्टर्न घाट्स कोस्टल रीजन्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और गंगेटिक प्लेन्स हैं। तो ये जो सारे हैं ये आपके टोटल जो बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं उसमें आते हैं, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दोनों हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, इसमें से कौन सा जो राज्य है जो सबसे बड़ा रेशम का उत्पाद करता है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, ओके, समर सिंह कितने हैं, मोर देन, ओके, इस चीज पे भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं एक बार ये वाला मैटर भी। देखिए मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ, 67 पे कई लोग कह रहे हैं कि 67 है, 64 की जगह अगर प्रेजेंट डे की बात की जाए, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है वैसे, अगर प्रेजेंटली बात की जाए टोटल 53 ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनके नाम कर दिए गए हैं, जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, जुपिटर की 53 नेचुरल सैटेलाइट्स के नाम अभी दे दिए गए हैं, बचे 26 जो हैं इनका नाम अभी भी अवेटेड है, नाम उनका सोचा जा रहा है। तो टोटल एट प्रेजेंट 2019 की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट की बात करें तो 79 मून्स हो चुके हैं। तो ये रीसेंट अगर आप बिल्कुल पैरामीटर अभी मार्च अप्रैल का अगर आप बात करें अप्रैल की, तो इतने मून्स हो चुके हैं, ये बिल्कुल रीसेंट डाटा होगा। फिर बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क की यहाँ बात हो रही थी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, चार आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कौन सा जो है जिसके अंदर बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है इसमें से, तो कर्नाटका सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कर्नाटका है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है, सेल्मोनेला, राइजोबियम, ई कोली, स्यूडोमोनास। तो आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग इसमें से करता है, तो कौन सा वो ऐसा बैक्टीरिया है। ठीक है, कौन सा है इसमें से, देखिए राइजोबियम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। UHT प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, UHT प्रोसेस जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, UHT का मतलब आपको पता होना चाहिए तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। UHD क्या होता है, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मतलब होता है जो पैस्चराइजेशन की जाती है यानी फूड को स्टरलाइज किया जाता है, इसमें क्या होता है 135 डिग्री से ऊपर के तापमान पे अचानक से 1 या 2 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, इस तरह से लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो ट्यूब दूध के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वेयर इज नोबेल म्यूजियम सिचुएटेड इन दी वर्ल्ड, विश्व में नोबेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपको संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है, स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, लंदन, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा विवादित सा वो है क्वेश्चन, लेकिन नोबेल म्यूजियम जो है ये स्टॉकहोम में सिचुएटेड है। आपको पता है 1901 से
जो भी नोबेल लॉरेट्स हुए हैं और आज तक की प्रेजेंट डे की अगर बात करें, तब से लेकर अब तक जितने भी नोबेल लॉरेट्स हुए हैं उनके लाइफ, उनके फाउंडर और साथ ही साथ अल्फ्रेड नोबेल के बारे में भी, जिनके द्वारा ये स्थापित किए गए थे पुरस्कार, सभी जो हैं इस संग्रहालय में, ये पूरी लाइब्रेरी जो है बनाई गई है। और स्टॉकहोम कहाँ पे सिचुएटेड है, ये स्वीडन में सिचुएटेड है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में जो आंसर, अगर किसी स्टूडेंट ने स्वीडन मार्क किया है तब भी देखा जाए तो क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम कहें कि कोई चीज़ है दिल्ली में है और कोई चीज़ है इंडिया में है, तो आप आंसर अगर किसी बच्चे ने इंडिया मार्क किया या किसी बच्चे ने दिल्ली मार्क किया, यू कैन नॉट से कि ये पर्सन जो है कम्प्लीटली रॉन्ग है या ये पर्सन जो है कम्प्लीटली राइट है, ये वाला गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बेबीज बॉडी, बेबी बॉडी में कितनी बोन्स मौजूद होती हैं। स्टॉकहोम बिल्कुल ठीक है आंसर। यहाँ पे देखिए ह्यूमन बेबी बॉडी में कितनी बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, 206, 234, 270, 254। तो देखिए ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो एक ह्यूमन बेबी बॉडी में जो है लगभग 300 के करीब बोन्स होती हैं वैसे, बट उसके अप्रोक्सीमेशन से चलें तो आपका 3 जो आंसर है वो आपके ऑफिशियल डाटा में 270 दिया गया है। बड़े होते होते जब अडल्टहुड में आते हैं तो 206 रह जाती हैं, तो ये ऑफिशियल डाटाज में ये डाटा दिया हुआ है, वैसे 300 के करीब लगभग होती हैं। हु इन्वेंटेड माउस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया, जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, डॉगलस एंजल एगलबर्ट, साइमन कॉल्टन। तो आपको बताना है माउस का जो इस्तेमाल आप करते हैं वो किसके द्वारा इनमें से किया गया। तो डॉगलस एगलबर्ट द्वारा इसका आविष्कार जो है किया गया। ये एक अमेरिकन इंजीनियर हैं, इन्वेंटर रहे हैं, और जो अर्लियर जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स थे उनके इंटरनेट के पाइनियर भी रहे हैं, यानी इंटरनेट के जो शुरुआत है, शुरुआती दौर है, वो इनकी बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही है। ठीक है, सो ये चीज इसमें आपको ध्यान रखना है। सो ये फाउंडिंग जो इंटरैक्शन है SRI इंटरनेशनल, वहां पे जो है कंप्यूटर माउस जो है इसका आविष्कार किया गया। इवन जो हाइपरटेक्स नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं, प्रीकर्सर्स हैं, ये सभी जो है इनके द्वारा दिए गए हैं। ये है डॉगलस एगलबर्ट। Who invented pendulum watch? Pendulum watch होती है इस तरह से, ऊपर आपकी क्लॉक होती है, ठीक है, आपकी क्लॉक होती है इस तरह से। तो पेंडुलम क्लॉक जो है इसका आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया, 1656 में जो है ये डच साइंटिस्ट द्वारा जो इसका निर्माण किया गया। कौन से है ये, क्रिश्चियन हेगनेस द्वारा इसका जो आविष्कार किया गया, और उसी साल, उसके अगले साल ही इन्होंने ये पेटेंट भी करवा लिया था। ये आप देख सकते हैं ये कितने साल तक जो है इनका कार्यकाल भी जो है नीचे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे मिनिस्टर डिड अनाउंस द रेलवे बजट 2016। अब आपको पता है रेलवे बजट अब तो होता नहीं है, 2016 के लिए क्वेश्चन है, तो रेलवे बजट इसमें पूछा गया है कि कितना रेलवे बजट जो है इनमें से किस व्यक्ति द्वारा जो है पेश किया गया था, घोषणा किसके द्वारा की गई थी, सुरेश प्रभु, अरुण जेटली, मनोज सिन्हा, जयंत सिन्हा। तो किसके द्वारा जो है रेलवे बजट की पेशकश इनमें से की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, ये करी गई थी सुरेश प्रभु के द्वारा जो है इसकी पेशकश की गई थी। ओके, प्रेजेंट रेलवे मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए तो कौन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। विच गेम इज एसोसिएटेड विद साइना नेहवाल, साइना नेहवाल जो है टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, इनमें से किस गेम के साथ संबंधित है, तो ये बैडमिंटन के साथ संबंधित है। Who had been conferred the Deenanath Mangeshkar Award in 2015? तो 2015 में दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इनमें से किस व्यक्ति को दिया गया था, संजय लीला बंसाली, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, आमिर खान। तो किसको ये अवार्ड जो है दिया गया था, ये दिया गया था अनिल कपूर को। ओके, अनिल कपूर को ये अवार्ड जो है ये दिया गया था। हाँ जी,
पीयूष गोयल जो हैं प्रेजेंट मिनिस्टर हैं रेलवे के, बिल्कुल ठीक। सेंटीग्रेड इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिनोटेड ऑन द नेम ऑफ, तो सेंटीग्रेड आपको बताना है ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है ये किसके नाम पर दी गई है, कैल्विन, जेन पेरी क्रिस्टन, मार्टिन स्ट्रॉमर, एंडर्स सेल्सियस, तो आपको बताना है किसके नाम पर जो है ये टेम्परेचर की यूनिट सेंटीग्रेड ये किसके नाम पर दी गई है, किसके नाम पर दी गई है, ये दी गई है एंडर्स सेल्सियस के नाम पे ये यूनिट जो है ये दी गई है। ये जो है एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, फिजिस्ट रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, ये प्रोफेसर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के, ओके, उपसाला यूनिवर्सिटी में 1730 से लेकर 1744 तक, और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस के लिए जर्मनी, इटली, फ्रांस बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रैवल किया, बाद में जाके इन्होंने ये खोजें भी की हैं। Which princely state has the biggest independent state? तो कौन से जो रजवाड़ा था जो सबसे बड़ा स्टेट बना, हैदराबाद, कोचीन, त्रेवनकोर, नेक्स्ट है आपका पुडुचेरी, तो सबसे बड़ा आपको बताना इंडिपेंडेंट स्टेट प्रिंसली रजवाड़े जो होते थे इनमें से सबसे बड़ा इसमें से कौन सा रजवाड़ा था, तो कौन सा था वो, दैट इज हैदराबाद, हैदराबाद जो है सबसे बड़ा था, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल इंडिया में ये सिचुएटेड है, ओके और उस समय ये जो पूरा किंगडम था हैदराबाद का, इसकी कैपिटल भी क्या थी, हैदराबाद ही इसकी कैपिटल थी, ठीक है। और ये कब तक रूल किया, ये स्टेट जो है 1724 तक रूल किया गया, 1724 से ये रूल शुरू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, इसमें से कौन सी जो है लाफिंग गैस कहलाती है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, N2O CO2 H2O SO2, तो सीधे से आप यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड मार्क कर सकते हैं। हाँ, कंफ्यूजन कब होता है, एक होता N2O, एक होता NO, एक दिया जाता है मान लीजिए NO2, अगर इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे जो आप चार ऑप्शन देख सकते हैं कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, नो मैटर आपने कितनी देर पहले पढ़ा था और आपने बेशक उसको रिवाइज नहीं किया था तब भी आप बहुत आसानी से आंसर मार्क कर सकते थे, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता तो कंफ्यूजन के चांसेस तब बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में वही मार्क करके आ सकता है जिसका जो कंसेप्ट है, जिसका जो रिवीजन है बहुत पक्के तरीके से हुआ, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैसेस को बोला जाता है, ये एक केमिकल फॉर्मूला है, रूम टेम्परेचर पे कलरलेस होता है, ठीक है, और नॉन फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील नहीं होता बिल्कुल भी, और इसका स्लाइट मेटालिक सेंट होता है, अगर जिसकी स्मेल होती है वो मेटालिक टच की होती है, और पीने में भी अगर इसका टेस्ट देखा जाए तब भी ये मेटालिक टेस्ट का होता है, ठीक है। एलिवेटेड टेम्परेचर पे बात करें तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तरह ये काम करता है। वेयर वॉज रानी लक्ष्मीबाई डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते समय रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे शहीद हुई वो आपको बताना है, वाराणसी, ग्वालियर, मुरार, झांसी, तो झांसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई जो है आपको ये बताना है कि ये इनकी मृत्यु जो है शहीद ये कहाँ पर हुई, तो इनकी जो शहीद हुई ये ग्वालियर में शहीद हुई थी, आपको पता है ये झांसी की प्रिंसली जो स्टेट थी वहाँ की रानी थी, प्रेजेंट डे ये उत्तर प्रदेश में आता है झांसी जो है, ठीक है। तो इंडियन रिबेलियन जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो ब्रिटिश राज को के खिलाफ जो है इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई की थी और इनकी ग्वालियर में जो है शहीद हुए थे ये। विच वन इज नोन एज माइंड ऑफ कंप्यूटर, इसमें से कौन सा जो है माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU, मॉनिटर, तो आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से माइंड ऑफ कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं, वो है आपका
सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का काम करता है। जितना भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है, लॉजिक ऑपरेशंस है, कंट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग है, बेसिक परफॉर्मिंग है सिस्टम्स की, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ये सभी जो चीजें हैं ये सीपीयू द्वारा ही हैंडल की जाती हैं। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड कंप्लीट डिजिटल स्टेट, तो कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो कंप्लीट डिजिटल स्टेट बन चुकी है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि कंप्लीट डिजिटल स्टेट बन गई है? कौन सी है ये स्टेट देखिए इसमें से, तो ये है आपकी केरल। केरल जो है ये कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। What is the full form of SPM? SPM की full form आपको यहाँ पे बतानी है, suspended pollution mark, suspended particulate matter, okay? Suspended particle mode, suspended particle management, तो answer है आपका 2, suspended particulate matter, ये जो है एकदम correct answer है। दो bones, human bones है, वो किसके द्वारा जो है जुड़ी होती है? लिगामेंट्स, जॉइंट्स, मसल या फिर स्मॉल बोन, किसके द्वारा जो है ह्यूमन बोन्स जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ती हैं लिगामेंट्स के द्वारा। लिगामेंट्स क्या है? एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो दो या ज्यादा बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इनको और क्या कहा जाता है? आर्टिक्यूलर लिगामेंट भी इनको कहा जाता है, आर्टिक्यूलर लिगामेंट भी इनको कहा जाता है। हु इज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर आपको बताने हैं कौन से हैं? तो देखिए यहां ऑप्शंस देखने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कौन होता है, वो होता है हमेशा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है ये सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो वॉर कंक्लूड भी करता है, पीस भी वही एस्टैब्लिश करता है, सजेस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वॉर कंक्लूड भी करता है, वॉर पीस एस्टैब्लिश भी करता है, डिक्लेयर वॉर भी करता है और पीस भी वही आधारित करता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं हमारे प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज रामनाथ कोविंद, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन? प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार, गैलेक्सी, तो आपको बताना है कौन सा जो इसमें से है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो कौन सा रिवॉल्व करता है? दैट इज द प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? तो फिलहाल के चीफ इलेक्शनर कमिश्नर का नाम आपको यहां पे बताना है, तो कौन है? दैट इज सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है 23rd चीफ इलेक्शनर कमिश्नर है इंडिया के। इससे पहले कौन थे? ओपी रावत जो है इनसे पहले थे, जिनकी 1 दिसंबर को 2018 को ये रिटायर हुए हैं। उसके बाद सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया है और लगभग 2.5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा और 17वीं लोकसभा को इनके स्टीवर्डशिप में कंडक्ट करवाया जाएगा। Which of the following Chinese monk had traveled to India during Gupta period? तो इसमें से कौन से Chinese monk द्वारा गुप्ता period के दौरान भारत में travel किया गया था? तो किसके द्वारा ये यात्रा की गई थी? यहाँ ह्यूंग है, ह्यूंग सांग, फा हैन, ली चिंग, ली किसका? तो आपको बताना है किसके द्वारा जो है ट्रैवल किया गया था, वो है फा हैन। फा हैन जो है फेमस चाइनीज पिलग्रिम रहे हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त 2 के टाइम जो है यहाँ पे इंडिया में विजिट किया था, ठीक है, पेशावर से होते हुए ये यहाँ पे आए थे।
हु मेड फर्स्ट चॉकलेट बार? फर्स्ट चॉकलेट बार जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? नेस्ले, हर्षले, जोसेफ रायन सन्स, रियसन्स। तो आपको बताना है किसके द्वारा सबसे पहला चॉकलेट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? फर्स्ट चॉकलेट जो है वो बनाया गया क्वेकर, जोसेफ, जो क्वेकर फैमिली है, क्वेकर ओट्स आपने अभी सुने होंगे, क्वेकर ओट्स जो होते हैं वही कंपनी, क्वेकर कंपनी द्वारा, जोसेफ राय एंड सन्स ये पेरेंट कंपनी है, ब्रिटिशो ब्रांच है इनकी ये, इसके द्वारा जो है फर्स्ट चॉकलेट बार जो है ये बनाया गया, इसी के फाउंडर थे। कैमन हु हैज वन हम्प इज नोन एज, तो कैमन जो है जिसका वन हम्प होता है वो क्या कहलाता है? एक कूबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? ओकापी, एबेक्स, ड्रोमेडेरी, एल्क। तो आपको बताना है कैमल जो है जिसका वन हम्प है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? इसको कहा जाता है अरेबियन कैमल जो होता है इसको बोलते हैं ड्रोमेडरी, ड्रोमेडरी इसको बोला जाता है। ये एक अरेबियन कैमल होता है, ठीक है, एक हम्प होता है इसका। और एक और बात है, ये स्मॉलेस्ट होता है सभी कैमल की प्रजातियों में, सबसे छोटा जो होता है ड्रोमेडरी होता है। हु इज सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट फ्लिपकार्ट के सीईओ इनमें से कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है जब आपके प्रीवियस ईयर में आया था उस समय जो है बिनी बंसल जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल उसके बाद जो है ई कॉमर्स का ये प्लेटफॉर्म जो है सचिन बंसल द्वारा ये हैंडल किया जाता था, तब ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के टाइम में सचिन बंसल भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे 11 जनवरी 2016 के टाइम के लिए अगर बात की जाए। लेकिन अगर अभी बिल्कुल 2019 की बात की जाए तो फिलहाल जो यहाँ पे नियुक्ति है वो है कल्याण कृष्णमूर्ति की। कल्याण कृष्णमूर्ति जो है फिलहाल सीईओ हैं फ्लिपकार्ट के। विच वन इज इन ड्यूरिंग एक्सहेल, कौन सी जो गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है जब हम गैस को एक्सहेल करते हैं, जब भी हम गैस हवा सांस जो है छोड़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कौन सी गैस जो है रिलीज करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, कौन सी गैस रिलीज करते हैं ये? देखिए ये है नाइट्रोजन। देखिए जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और 15 से 18% ऑक्सीजन होती है, ओके। और इसके बाद देखिए 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है फोटोसिंथेसिस में काम आती है, और 0.96% जो है आर्गन हम एक्सहेल आउट करते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कितनी जो गैसेस हम एक्सहेल करते हैं, यानी ये आप देख सकते हैं हम ऑक्सीजन को भी एक्सहेल करते हैं, ये चीजें बहुत स्टूडेंट जो है ध्यान में नहीं रखते। सो 15 to 18% ऑक्सीजन भी एक्सहेल की जाती है। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या एक्सहेल करते हैं? ये होती है नाइट्रोजन, इसमें से जो है नाइट्रोजन एक्सहेल करते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन सी गैसेस एक्सहेल करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ठीक है, ये गैसेस जो है हम एक्सहेल आउट करते हैं। द मार्केट वेयर सम कंपनीज कंट्रोल मेजोरिटी ऑफ मार्केट इज नोन एज, तो वो मार्केट आपको बतानी है जहां पे थोड़ी कंपनीज जो है मेजोरिटी ऑफ द मार्केट को कंट्रोल करती हैं। देखिए मोनोपली नहीं हो सकती क्योंकि सम कंपनीज लिखा है, अगर वन कंपनी होता तो यहाँ पे मोनोपली होती, लेकिन मोनोपली ये नहीं है। फिर देखिए ड्यूओपोली दो का अधिकार होता तब भी ये नहीं है, और ओलिगोपोली में होती है थोड़ी कंपनीज होती हैं और ज्यादा मेजोरिटी को हैंडल करती हैं। तो ये है आंसर नंबर 2। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो ये जो कंपटीशन होता है यहाँ पे ना ही बायर्स की ज्यादा चल सकती है नेगोशिएट करने में, ना ही सेलर की अपनी मनमर्जी चल सकती है, तो वो होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे हमें पूछा सम कंपनीज जहां पे मेजोरिटी मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, दैट इज दी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओके, दैट इज दी ओलिगोपोली, ओके। ओलिगोपोली जो है इसका करेक्ट आंसर है।
ऑन विच रिवर, किस रिवर पर वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज इज मेड। तो वायाडक्ट ये जो है ये किस ब्रिज के ऊपर, मिलाऊ नाम का जो ये हाईएस्ट मिलाऊ है, ये कहाँ पे ब्रिज जो है बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, किस नदी के ऊपर, सीन टान जुरेंस लॉयर। तो आपको बताने किस पे जो है ये डक्ट बनाया गया है, ये एक्चुअली इसका वर्ड भी ये करेक्ट कर लिए, मिलान है ये, ओके मिलान है यहाँ पे शब्द। तो मिलान वायाडक्ट जो है ये कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका, ये केबल के जरिए जो है ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज जो है ये टान के करीब है। अब ये टान कहाँ है, ये